ओ मुबारक हो, कहाँ है हाँ? कहाँ है अपनी सुशील चैंपियन? हाँ सेजल, अब तूने सुशील को कहीं देखा है? नहीं, पता नहीं कंपटीशन के बाद से मिल ही नहीं रही है हमें, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ठीक है अंकल, ओके। मैंने अंकित के पापा से बात कर लिया, वो पुलिस में है। 48 आवर से पहले वो कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं ले सकते, पर कोई भी न्यूज होगी तो वो हमें बता देंगे। ऐसे कैसे गायब हो गई वो? कहाँ गई होगी? कंपटीशन के बाद जेसिका के साथ में उसकी कोई फाइट तो नहीं हुई थी? मतलब गुस्से में दोनों के बीच में कोई बात हो गई हो? हाँ हाँ सत्या। नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें वही पता चल जाता। हाँ नीतीश, कुछ पता चला क्या? घर पे आई है क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं, हम ढूंढ ही रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तू बापू के साथ ही रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और कुछ पता चले तो बता देना। ये पकड़ और देख क्या किलर मशीन को, उससे ये खिला देना कुश्ती के फाइनल मैच से पहले। वो खुद से कहीं नहीं गई है, उसके साथ कुछ हुआ है। सौम्या तो नहीं? नहीं, वो तो घर में सो रही है कब से। मैं सुशील को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो खुद कभी ऐसा नहीं करेगी। वो अपनी गैर जिम्मेदार नहीं है कि हम में से वो किसी को कुछ बताए ना। वो खुद से नहीं गई है, किसी ने उसके साथ कुछ किया है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इधर आना। माँ गई, दादी ने तो कुछ नहीं किया। अगर ये सच है तो मैं आज ही उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। उसने गोल्ड मेडल जीता है, उसे छुपने की क्या जरूरत है? कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? मैं विशु भाई के साथ निकलता हूँ, एक दो जगह और चेक करके आता हूँ। दादी, आप कहाँ गए थे और आप ऐसे यहाँ छुप के क्या कर रहे हो? हाँ क्यों छुप के खड़ी होंगी? अरे वो तो तुम सबको परेशान देख के परेशान हो गई। मैं तो मैच देखने गई थी सुशील का। पूछ ले सत्या से। ए मेरा सत्या, बता, मैं वही थी ना? वही। आप सुशील का मैच देखने क्यों गई थी? आपको तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? एक मिनट सेजल, इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है। माँ जी, आपने सुशील को कहीं देखा है क्या? मैच के बाद से वो कहीं मिल ही नहीं रही है ना। मने नहीं पता, और मैं तो तुम लोगों के साथ में ही थी ना जब वहाँ बिच्छू मिला था, और उसके बाद एक ऑर्डर के सिलसिले में मने किसी से मिलना था। ये देखो। हाँ, मैं गई थी सुशील का मैच देखने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो क्या, कभी तो सुशील मारे घर की शान थी ना। प्रसाहन के लिए गई थी, और वैसे भी सुशील ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन किया है तो अच्छा लगा। क्या? अंकल, आर यू श्योर? क्या हुआ सर? नहीं सुशील, सुशील ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या हुआ? वो अंकित के पापा है ना पुलिस में। हाँ? वो बुला रहे हैं, कह रहे कि एक बॉडी है वहां पे, आइडेंटिफाई करने के लिए बुला रहे हैं, कह रहे 6 फीट की है। ये तो क्या कह रहा है?
सुशील का है सत्या? अभी तो बोला है वहां, वो कह रहे कि आइडेंटिफाई करने आ रहा है सत्या, ये नहीं हो सकता। सत्या उनसे जरूर कोई गलती हुई है, तो एक बार फोन करके पूछ। तूने उन्हें क्या बोला था कि सुशील मिसिंग है? हां 6 फुट की है, हो सकता है कि किसी और की बॉडी हो। मैं भी यही चाहता हूँ मम्मी, पर मेरे को अभी मम्मी जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहा है। मैं जानता हूँ वो सुशील नहीं है। मेरा दिल कहता है वो सुशील नहीं हो सकती। अगर सच में वो सुशील है तो वहां पहुंची कैसे? इससे पहले कोई वहां पहुंचे मैं कुछ जाकर देखती हूँ। तो जब आप जानते हैं कि वो सुशील नहीं, तो वहां जाने में दिक्कत क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हम वहां जाएंगे बॉडी आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उस लड़की की रियल फैमिली को पता तो चले। ये नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि सुशील ऐसे ही मर जाएगी? इतनी आसानी से हार मान जाएगी? उसकी कहानी बस यूं ही खत्म हो जाएगी? तो उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे ना, तुम उसे अच्छे से जानते हो। वो इतनी आसानी से अपनी जिंदगी के साथ हार नहीं मान सकती। नहीं मान सकती ना? बोलो, नहीं मान सकती ना? नहीं 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 ना? नहीं। तो बस नहीं। तो बस हम सब वहां जाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो हमारी सुशील नहीं है। तब तक की बात बाहर मीडिया वालों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। मैं करूंगा ये शादी, पर आज नहीं कल करूंगा पक्का। प्लीज आज शादी थी मेरी, किसी को कोई पड़ी नहीं है। होने वाले इन लॉज क्या? होने वाला पति गायब है, कहाँ है सबके साथ? कहाँ है? कहाँ हो सत्या तुम? आज मैं तुम्हें अपना रियल अवतार दिखा के रहूंगी। तुम उठाओ सत्या, फोन उठाओ। दादी, दादी को फोन लगा दियो। मुसीबत गले में डालती है, हट। अरे वो एक लावारिश लाश पड़ी है किसी लंबी लड़की की, कोई आया नहीं यार उसके क्लेम के लिए? हाँ अभी तक तो कोई आया नहीं है। चलो आएगा। ठीक है। सोनी चाहिए, बहुत नचाया इसने मने। फोन कर रही है,
कहाना मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। कप्तान बकवास बंद करो अपनी। क्या कहा था आपने? आज मेरी और सत्या की शादी होगी। हाँ, उसी रिंग में जिस रिंग में सुशील हारेगी और मैं जीतूंगी। ऊपर से वेट कर रही हूँ। कहाँ है सब लोग? हाँ, कहाँ है सब लोग? कब होगी मेरी शादी? हाँ बोलो। चुप कर से, एकदम चुप कर से। देख, मैं तारे को फोन करूंगी। सुन, अब अगर तूने मारे को फोन किया ना, तो उस हवन कोट में मैं ही तुझे डाल दूंगी, जिस हवन कोट में तू खुद कूदना चाहती थी। शिनाख्त के लिए आए। ये रही बॉडी सर। वो नहीं होगी, बस वही कंफर्म करना है। एक मिनट, यहाँ हमसे भी पहले कोई आया था। ये चादर कैसे हटी हुई? जी नहीं, आप लोग ही सबसे पहले इन्हें देखने आए हैं। ये चादर हटाओ और सबको कंफर्म करो, ये हमारी सुशील नहीं है। मैंने कहा था ना कि हमारी सुशील नहीं है। काकी, मेरा तो गला ही सूख गया था और आज ऐसा लग रहा है कि सुशील हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज ना रहते हुए भी उसका ऐसे साथ ना होना सबको साथ ले आया। बस अब वो जल्दी से मिल जाए। सुशील नहीं, सुशील नहीं तो कौन है? सुशील की लाश आखिर गई कहाँ?
क्या रहा है आखिर? मरे इन्हीं हाथों से उसके सर पे चोट लगी थी। सांस भी बंद थी गई थी। फिर लाश चल के गायब हो गई क्या? तो बंद हो गया। दीदी मिली सुशील? जब फोन आया था तब हम सब साथ में थे। सुशील के पापा, सत्या, कलीजी, सेजल और वहां से हम मौक गए। वहां पे ना कोई पंखा था ना कोई खिड़की, तो वो चादर हटी कैसे? इसका मतलब है वहां हमसे पहले भी कोई आया था ये देखने के लिए कि वो बॉडी सुशील की है भी या नहीं। और दीदी कहाँ है सुशील और मुर्दा घर में कौन था? वही तो पता करना है कि वहां था कौन। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? राम 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 राम। मर गई, अब क्या फर्क पड़ता है कहां गई? बस किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी मौत तारे कारण हुई है। सौम्या दरवाजा खोलो, ये मेरा घर है और मेरे पास ना तुम्हारी इस वक्त फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। खोलो। नो, नहीं खोलूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे अकेला छोड़कर जाने की? उस सुशील का मैच देखने गए थे ना तुम? एक ही शर्त पे दरवाजा खोलूंगी कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अंदर आते ही मुझसे शादी करोगे, साथ फेरे लोगे। बोलो करोगे? तो वैसे सुशील नहीं मिल रही, ऊपर से मेरे पेशेंस का ना टेस्ट लेती। अभी बताता हूँ इसे। हाँ एक मिनट सत्य, कुछ मत कर, एक मिनट। सौम्या सौम्या दरवाजा खोल। सौम्या सत्य तुझसे शादी करेगा। अभी क्या क्या बोल रहा? रुक जा, वो करेगा शादी तो दरवाजा खोल, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। आप सबके सब झूठे हो, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। मुझे पता है वो नहीं करेगा। आई नो दैट। सौम्या तमीज में। सत्या रिलैक्स। झूठे हैं। सौम्या दरवाजा खोल। कली जी आपसे कुछ पूछना था। देखिए ना क्या पागलपन है, ये सौम्या दरवाजा ही नहीं खोल रही। सौम्या मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, और नहीं बर्दाश्त कर सकता। और एक बार मैं अंदर आ गया ना फिर तुम्हें तुम्हारा नाटक भारी पड़ेगा। सत्या सत्या नहीं, सत्या सत्या रुक जाना। तो क्या सिर्फ सौम्या है घर पे, और कोई नहीं है? हाँ अभी तो बस सौम्या ही है।
लेकिन लीला जी कहाँ चली गई? जब मॉक से फोन आएगा तब लीला जी तो यहीं थी ना, तो वो कहाँ चली गई? कहाँ थी आप? सुशील के गायब होने के बाद से आप भी कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ दादी, कहाँ थे आप? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।